Okay, students, let's move to our next topic, that is criteria for similarity of triangles. कैसे दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? चार क्राइटेरिया है, दैट इज AAA AAA SSS SAS. इनको समझने से पहले, इन थॉर्म्स को समझने से पहले, हम इस वाले लेक्चर में इनको प्रूव नहीं करेंगे, समझेंगे. क्या समझेंगे? सिमिलैरिटी किसे कहते हैं? सिमिलैरिटी मीन्स एक जैसा दिखना. जैसा मेरा हाथ, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने एग्जांपल दी, मेरा हाथ किसी बेबी का हाथ एक जैसा दिखते, एक जैसे. अब मेरे हाथ को कंपेयर करेंगे टाइगर के हाथ से, इट्स डिफरेंट, क्योंकि उसका हाथ, उसकी आर्म डिफरेंट शेप है. अल्लाह ताला ने इंसान का हाथ एक जैसा बनाया, नो डाउट कलर्स डिफरेंट है, लेकिन शेप एक जैसी है, दिखते एक जैसे. वैसे तो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, कैसे हम कहेंगे ये ब्लू वाला ट्राइंगल इस रेड वाले ट्राइंगल के बराबर है. पहला केस AAA, मतलब अगर इस वाले ब्लू वाले ट्राइंगल के तीन एंगल्स उस रेड वाले तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है, मतलब एंगल ए होगा बराबर एंगल बी, एंगल बी होगा बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी होगा बराबर एंगल आर. ओके, पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल. एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 80 है, ये 70 है, और ये आ गया हमारा 50. ओके, तो सेम ये 50 है, ये 80 है, और ये 70. तो अगर हम गौर से देखें ब्लू वाले ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स उस वाले ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर आ गया हमारा पहला एंगल एंगल एंगल. दूसरा क्राइटेरिया, दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया. क्या कह रहा है एंगल एंगल क्राइटेरिया? अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है तो वो दोनों सिमिलर होंगे. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल दो ट्राइंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर, एग्जाम्पल एंगल ए एक्स डिग्री है तो पी भी एक्स डिग्री है, एंगल वाई एंगल बी फॉर एग्जाम्पल वाई डिग्री है और क्यू भी वाई डिग्री है, सी नहीं पता, आर नहीं पता. ओके, तो हमें पता है इंटीरियर सम एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, सी नहीं पता. एंगल पूरा एंगल एक्स प्लस वाई, यहां पे प्लस है, वहां ले जाओ माइनस हो जाएगा 180 को, तो एंगल सी हमें निकलेगा 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई. ओके, अब उस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, रेड वाले ट्राइंगल पीक्यूआर की. अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी एक्स के बराबर, क्योंकि हमें दिया गया है एंगल एंगल क्राइटेरिया में इस वाले ट्राइंगल के दो एंगल्स उस वाले ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है. ठीक है, एक्स प्लस क्यू कितना है ये वाला एंगल वाई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, दोनों एक्स प्लस वाई, यहां प्लस है वहां ले जो माइनस हो जाएंगे, एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई. तो अगर हम देखें एंगल सी और एंगल आर का वैल्यू सेम है, मतलब क्या समझा हमने? अगर दो ट्राइंगल्स में उन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा. आगे चलते हैं, हमने सीखा एंगल एंगल, उसके बाद एंगल एंगल क्राइटेरिया, फिर उसके बाद साइड साइड साइड. क्या है ये साइड साइड साइड? इसके लिए अलग से डायग्राम बनाते हैं. एक एंगल है एबीसी, हमारा रेड वाला ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे यहां पे पी क्यू आर. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये इनके वैल्यूज है, ए बी 3 है, पी सी 6 है और ए सी 9 है, पी क्यू 4 है, क्यू आर 8 है, आर पी 12 है. तो हम इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे, मतलब देखेंगे ए बी बाय पी क्यू और देखेंगे बी सी बाय क्यू आर और देखेंगे सी ए
बाय आरपी। मैंने वैल्यूज दिए थे, पुट करते हैं, ए बी कितना दिया था 3 और बी सी 6, सॉरी पी क्यू दिया था 4, बी सी 6, क्यू आर 8, सी ए दिया था 9 और आर पी दिया था 12। कैंसुलेशन करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको कैंसुलेशन करते हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 3 3s are 9, 3 4s are 12, आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम गोल्स की देखें, इन सारे जो सारे साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्राइंगल्स के इक्वल रेशियो में, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर है बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर बराबर है सी ए डिवाइडेड बाई आर पी, उसका वैल्यू क्या निकला हमें 3/4। तो ये हमारी साइड 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 क्राइटेरिया है जिससे हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ, साइड एंगल साइड। तो मैंने वैल्यूज दिए हैं, सपोज क्या है एंगल ए बराबर है एंगल बी के, ए बी 5 और सी ए 15, पी क्यू 6 और आर पी 18। तो मैं चेक करूंगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू वो बराबर है 5/6, उसके बाद सी ए डिवाइडेड बाई आर पी वो बराबर है 15/18। कैंसुलेशन करते हैं, 3 5s are 15, 3 6s are 18। तो अगर हम देखें दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स का, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है और बीच वाला एंगल बराबर है, तो हम कह सकते हैं दो ट्राइंगल्स बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर।